मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन से मित्र थे, किंतु सुदामा श्री कृष्ण के भक्त भी थे। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे और गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी उन्हें श्री कृष्ण से जाकर मिलने की सलाह दी, क्योंकि श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा थे। सुदामा अपनी धर्म पत्नी की बात मानकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आते हैं और महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहते हैं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तुम जाकर अपने राजा को नम्रता पूर्वक मेरे आने का संदेश दो। उस समय श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे। जब द्वारपालों ने सुदामा के आने की सूचना देता है तो हर्ष भरे आवाज में कृष्ण कहते हैं, सुदामा सुदामा, और शीघ्रता से उस द्वार की ओर दौड़ते हैं जहां सुदामा खड़े थे। कृष्ण सुदामा के पैरों पर गिर पड़ते हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वार के आसपास खड़े लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सुदामा स्वयं से कहते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं? तब कृष्ण सुदामा से कहते हैं, ओ मेरे मित्र, लंबे समय के बाद तुम्हें देख रहा हूं। आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि तुम मेरे नगर मेरे भवन में आए हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आश्रम के पुराने दिनों की याद कितनी आनंददायक है। यह सब सुनकर सुदामा का हृदय भर आता है। वे कृष्ण से एक शब्द भी नहीं बोल पाते। कृष्ण उन्हें अपने सिंहासन के पास वाले आसन की ओर ले जाते हैं। फिर कृष्ण एक बाल्टी भर पानी लेते हैं और सुदामा के पांव धोते हुए कहते हैं, मैं सचमुच धन्य हो गया। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी आश्चर्य से यह सब देखती रहती है। फिर सुदामा को पंखा करती है। कृष्ण सुगंधित फूलों की माला सुदामा के गले में डालते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं, तुम लंबी यात्रा करके आए हो, इसलिए थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा कुछ देर आराम करते हैं। उसके बाद कृष्ण सुदामा के लिए भोजन मंगाते हैं। जितना समय सुदामा भोजन करते हैं, उतनी देर रुक्मणी उन पर पंखा करती है। फिर कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे बातें करते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। सुदामा के मन में तो धन संपत्ति पाने की कोई लालसा नहीं थी। उनके मन में तो कृष्ण के पास बैठकर उनके श्री चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद पाने की प्यास थी। ना चाहता हूँ दौलत दुनिया की, सिर्फ चाहता हूँ दौलत फना की, सिर्फ तेरी बांसुरी बांसुरी बजाने वाला जादू जगा दे, जादू जगाने वाला। सब छोड़ी दुनिया की आस सब छोड़ी, ना चाहिए अमीरी आई।
जगा दे, आतिश उठा दे, जादू जगा दे, जादू जगाने वाला, जादू जगा दे वाला, दुनिया की आस सब छोड़ी। प्रियजनों, सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं, आप तो सारे जग के पालनहार हैं, फिर भला आपको मेरे घर का हाल चाल पूछने की क्या जरूरत है। यह तो मेरे धन्य भाग है जो मुझे आपकी मित्रता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आपके साथ गुरु सांदीपनी के आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण कहते हैं, सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में हमने जो दिन बिताए थे, तुम उन्हें भूले तो नहीं हो। सुदामा कहते हैं, कृष्ण आश्रम में गुरु की सेवा करते हुए और प्रकृति के सुंदर वायुमंडल में रहते हुए हमने साथ साथ जो दिन बिताए, वे सचमुच बड़े सौभाग्यशाली दिन थे। आगे श्री कृष्ण उसे पूछते हैं, तुम कैसे हो सुदामा? सुदामा ने कहा, ठीक हूँ। सांदीपनी गुरु के चरणों में मैंने जो शिक्षा पाई थी, उसने मेरी समस्त लालसा को लुप्त कर मुझे ज्ञान के आनंद से भर दिया है, और आज तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे चरण कमलों में मुझे अनंत आनंद की अनुभूति हो रही है। कृष्ण कहते हैं, अब बताओ तुम्हारी पत्नी कैसी है? सुदामा कहते हैं, वह भी ठीक है। कृष्ण कहते हैं, और तुम्हारे बच्चे? सुदामा कहते हैं, ईश्वर मेरे प्रति बहुत दयालु रहा है, उसने मुझे दो बच्चे दिए हैं, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है, दोनों ही बच्चे सुशील और गुणवान हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं, यह सब सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बच्चे तो ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं, बच्चे तो माता पिता के पास ईश्वर के प्रेम की धरोहर हैं। फिर रुक्मणी की ओर मुड़कर कृष्ण कहते हैं,
रुक्मणी ये सुदामा है, ये मेरे परम प्रिय मित्रों में से एक है। हम दोनों ने ऋषि सांदीपनी के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। सुदामा बड़े बुद्धिमान हैं, ये अत्यंत सभ्य तथा विनीत हैं और प्रतिदिन ईश्वर का पूजन करते हैं, मुझे याद करते हैं और प्रभु का नाम सदैव इनके होठों पर रहता है। रुक्मणी, बहुत दीर्घ अवधि के बाद ये मुझसे मिलने आए हैं। इनकी सेवा करना और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना रुक्मणी ने कहा, स्वामी आपकी इच्छा अनुसार मैं इनकी सेवा करूंगी और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। आज का यह दिन दीर्घ काल तक मुझे याद रहेगा। तब सुदामा कहते हैं, कृष्ण मैं तो तुमसे वरदान प्राप्त करने आया हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं, हम कई वर्षों बाद मिले हैं, क्या तुम्हें वह भयानक आंधी याद है जब हम गुरु सांदीपनी के लिए जंगल से लकड़ियां काटने गए थे? इस पर सुदामा कहते हैं, हम उस आंधी को और उस आंधी से सीखे पाठ को कैसे भूल सकते हैं? मुझे याद है कि हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हमें बचाएं। क्या उस समय हमारा जीवन संकट में नहीं था? उस तूफानी रात को हमने सीखा कि संकट और मृत्यु का सामना दृढ़ता और बहादुरी से करना चाहिए। फिर कृष्ण कहते हैं, परंतु सुदामा तुमने अपने बगल में क्या दबा कर रखा है? सुदामा व्याकुल होकर लज्जित होकर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण। तब कृष्ण कहते हैं, सुदामा मैं समझ गया, तुम बहुत स्नेह से मेरे लिए कोई उपहार लाए हो, तुम लज्जित न हो मेरे प्रिय। किसी उपहार का मूल्य उपहार की कीमत में नहीं बल्कि हृदय के प्रेम में छिपा होता है, चाहे वह फूल की एक पंखड़ी हो या वृक्ष का एक पत्ता, वह चाहे एक छोटा सा फल हो या एक बूंद पानी। फिर कृष्ण उस पोटली को खोलते हैं और उसमें से उखड़े चावल निकालकर बड़े मजे से खाने लगते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं, वे कहते हैं, सुदामा कितना सुंदर उपहार है, तुम्हारे दिए इन चावलों को खाने में कितना आनंद आ रहा है, मैंने इतने स्वादिष्ट वस्तु आज तक नहीं खाई। सुदामा कहते हैं, यह एक विनीत हृदय का तुच्छ उपहार है। कृष्ण यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इसे स्वीकार किया। सुदामा कई दिन कृष्ण के पास रहते हैं, श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों उनकी खूब सेवा करते हैं। फिर एक दिन सुदामा उनसे अपने घर लौट जाने की अनुमति मांगते हैं। सुदामा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कुछ मील उनके साथ पैदल यात्रा करते हैं और फिर विदा लेते हैं। सुदामा आगे बढ़ जाते हैं। पैदल चलते चलते वे मन ही मन सोचते हैं, द्वारिका में कितने सुंदर सुंदर चीजें थी, श्री कृष्ण ने मुझे कितने स्नेह से अपने घर में रखा, मैं एक पापी एक गुनहगार, फिर भी श्री कृष्ण ने मेरी कितनी सेवा की, मुझे अपने गले से लगाया, मेरे चरण धोए, कृष्ण कितने दयालु हैं। वे समझ गए कि यदि वे मुझे धन देते तो मेरी सारी भक्ति और हरि गुणगान चला जाएगा, मेरा भला करने के लिए उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। फिर सुदामा सोचता है, मुझे तो अन्न और वस्त्र की कोई चिंता नहीं है, किंतु घर पर मेरी पत्नी जो भूख से बेहाल है वह क्या कहेगी? वह मुझे कहेगी, तुम्हारे मित्र राजाओं के राजा के यहाँ से कुछ भी नहीं लाए,
तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। बस इन्हें विचारों में खोया सुदामा अपने घर के निकट पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें अपना घर कहीं दिखाई नहीं देता। वे मन ही मन कहते हैं, मेरा घर कहाँ चला गया, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, मेरी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर आलीशान महल खड़ा है। सुदामा अपनी आंखें मलने लगते हैं और स्वयं से कहते हैं, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं मैं गलत स्थान पर तो नहीं आ गया, मेरी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल सच, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। फिर सुदामा क्या देखता है, उस महल से कुछ सेवक बाहर आकर उनके आगे खड़े हो जाते हैं। सुदामा से कहते हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपको लेने आए हैं, महल में चलिए। इतने में सुदामा क्या देखते हैं, उनकी पत्नी स्वच्छ कपड़े पहने हुए उनकी ओर चली आ रही है। आज तो वह स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। पास आकर वह सुदामा से कहती है, प्राणनाथ आइए, अपने घर में आपका स्वागत है, चलिए महल के अंदर चलिए। सुदामा तो यह सब देखकर चकित हो जाते हैं, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। वे महल के अंदर जाते हैं, महल की शोभा देखकर, नौकर चाकर देखकर धीरे धीरे उन्हें कृष्ण का राज समझ में आ जाता है। वे मन ही मन कहते हैं, कृष्ण मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मित्र कृष्ण, तुम तो राजाओं के राजा हो, मैं तो एक भिखारी हूँ, तुम अपने भिखारी मित्र को लज्जित करना नहीं चाहते थे, इसलिए तो चुपचाप यहाँ महल बनवा दिया। लेकिन कृष्ण मेरे प्रिय कृष्ण, तुम मेरे ठाकुर हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे दिल में इस महल के लिए या धन संपत्ति और नौकर चाकर पाने की रति भर भी चाहत नहीं है। मैं तो तुम्हारे पास भक्त बनकर आया और मैं सदा तुम्हारा भक्त बना रहूंगा। मेरे दिल में एक ही प्यास है कि हर जन्म में मैं तुम्हारा भक्त बन कर रहूं, हर जन्म में तुम मुझे भक्ति का वरदान देना। अब सुदामा के पास बहुत धन संपत्ति थी, फिर भी वे और उनकी पत्नी सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं और सारा समय कृष्ण का गुणगान करते हैं। रोज सुबह शाम वे कृष्ण की आरती करते हैं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके चरणों के दर्शन पाओ,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण का जन्म यादव कुल में हुआ, किंतु यादवों को यह भान नहीं था। बेशक वे कृष्ण को महान हस्ती मानते थे, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें कई बार विपदाओं और कष्टों से उभारा था, किंतु वे ये नहीं समझ पाए कि प्रभु स्वयं श्री कृष्ण का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए अपनी लीला खेलने के लिए। मेरे प्रियजनों, जब चंद्रमा की परछाई समुद्र पे पड़ती है तो मछलियां उस परछाई को अपनी तरह मछली ही समझती हैं। वे ये नहीं समझती कि ये तो चंद्रमा की परछाई है। यादवों की भी ठीक यही दशा थी। यादव भी समझते थे कि श्री कृष्ण भी मनुष्य ही हैं, लेकिन सबसे उत्तम हैं। वे बुद्धिमान हैं, ज्ञानी और विद्वान हैं, दयावान हैं, किंतु वे ये नहीं जान पाए कि वास्तव में कृष्ण कौन थे। फिर एक दिन श्री कृष्ण सभी यादवों को अपने साथ प्रभाशा ले आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार द्वारिका में कुछ ऋषि आए थे। कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे एक यादव बालक को स्त्रियों के वस्त्र पहनाकर उसे ऋषियों के पास ले आए और कहा, कृपया हमें बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि तो सब समझ जाते हैं। तभी एक ऋषि को इस बात पर क्रोध आता है। ऋषि तो तपस्वी थे, उन्होंने कई वर्ष तपस्या की थी। जो कड़ी तपस्या करते हैं उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। उनमें से एक ऋषि कहता है, ये अपने आप को क्या समझते हैं, हमसे किस तरह का परिहास कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ परिहास कर रहे हैं। एक युवक को साड़ी ब्लाउज पहनाकर हमसे पूछने चले आए कि इसे पुत्र होगा या पुत्री। इसलिए ऋषि उनसे कहते हैं कि उसे लोहे का टुकड़ा पैदा होगा। युवक यह सुनकर लौट जाते हैं। जब उस युवक के कपड़े उतारे गए तो उनमें से एक लोहे का टुकड़ा निकल आया। सब युवक घबरा गए और वे बलराम के पास गए। यह सुनकर बलराम को भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने युवकों से कहा, यह तुमने क्या किया, यह तो सारे यादवों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर बलराम कहता है, तुम इस लोहे के टुकड़े को पीस दो और उस लोहे के चूड़े को समुद्र में फेंक दो। युवक ऐसा ही करते हैं। उस चूड़े से समुद्र के किनारे कुछ पौधे उग आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब श्री कृष्ण यादवों को अपने साथ प्रभाशा में कुछ दिन बिताने के लिए ले आए हैं, तब वहाँ यादव खूब शराब पीते हैं और फिर शराब के नशे में धुत होकर एक दूसरे से बहुत बहस करते हैं। बहस करते करते एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मार पीट पर उतर आते हैं। जो भी हथियार उनके पास थे उनसे एक दूसरे पर वार करने लगे। जब हथियार कम पड़ने लगे तो फिर समुद्र के पास जो लोहे के चूरे से पौधे निकले थे उन पौधों को तोड़कर उनसे भी वार करने लगे। वे पौधे इतने नुकीले थे कि उनके वार से सारे यादव एक एक करके मर गए। श्री कृष्ण के साथ केवल एक उद्धव ही रह गए। उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अब मेरा इस पृथ्वी से विदा लेने का समय आ गया है। फिर कृष्ण एक पेड़ के नीचे चिन्ह मुद्रा में जाकर बैठ गए। तभी वहां से जरा नामक एक शिकारी गुजरा। श्री कृष्ण का बायां पांव
दाहिनी जांघ लैप पर रखा था, जिसके कारण शिकारी को दूर से लगा कि कोई हिरण पेड़ के नीचे बैठा है। हिरण को इस तरह शांत बैठा देखकर शिकारी ने अपना तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के अंगूठे पर लगा और उसके बाद उन्होंने अपने बाकी के कार्य समाप्त कर अपनी देह का त्याग कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के द्वारा सारी मानवता को शिक्षा दी, जिसे हम गीता कहते हैं। आज समय के अभाव के कारण हम श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर आकर कितने ही कार्य किए। रेशमदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, द्वारिका नगरी बनाई, कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में अपने भक्त अर्जुन के सारथी बनकर उसका रथ चलाया। कुरुक्षेत्र के जंग मैदान के बीच में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में कई शास्त्र हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता एक अद्भुत शास्त्र माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, अर्थात ब्रह्म का शब्द। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द भगवान के मुखारविंद से निकला है, इसलिए इस शास्त्र को सबसे अद्भुत शास्त्र माना गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा आप सब जानते हैं कि जब पांडव अपने वनवास के 13 साल पूरे करके लौटते हैं, वे कौरवों से अपना राज्य वापस मांगते हैं, तब दुर्योधन उन्हें राज्य वापस देने से इनकार कर देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं। वे राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो इससे सारा भारतवर्ष तबाह हो जाएगा। यदि आप पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटना चाहते तो कम से कम उन्हें 5 गांव ही दे दो, मैं पांडवों को अपने आप समझा दूंगा। एक एक भाई के लिए एक एक गांव, वे इससे संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुर्योधन तो अपने अहंकार में चूर चूर था। वह कहता है, मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितना भी स्थान नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वे चाहे तो मुझसे युद्ध करके अपना राज्य वापस लें, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कौरवों की तरफ से युद्ध रोकने के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो पांडव और कौरव युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, मैं तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूं, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मेरे पास विशाल सेना है, एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी, तुम दोनों चुन लो कि तुम क्या लेना चाहते हो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु जो मुझे चुनेगा मैं उसके साथ रहूंगा। यह सुनकर दुर्योधन के मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे श्री कृष्ण की सेना चाहिए, ऐसा न हो कि अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी सेना मांग ले
फिर मैं कृष्ण को लेकर क्या करूंगा। दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है, पहले मैं मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले मैं आपके पास आया था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन अर्जुन तुम्हारा अनुज है, इसलिए मांगने का हक पहले अर्जुन का है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अध्याय है। महाभारत भी रामायण की तरह एक नीति शास्त्र ही है। महाभारत में बताया गया है कि हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। इसलिए श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि नीति के अनुसार मांगने का पहला अधिकार अर्जुन का है। यह सुनकर दुर्योधन का मुंह उतर जाता है, किंतु अर्जुन तुरंत अपना सिर झुकाकर श्री कृष्ण के चरण चूमता है और कहता है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी सेना की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे साथ हैं फिर मुझे और क्या चाहिए। धन दौलत कुछ ना चाहूं, कमल चरण तेरे मैं पाऊं, दो जख में गिराए परवा नाही जब साथ तू आए। मेरे प्रियजनों, अर्जुन के यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है। वह मूर्ख मन ही मन कहता है, इससे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर और कौन होगा। लेकिन यह अच्छा ही हुआ, यदि अर्जुन मूर्ख नहीं होता तो मुझे कृष्ण की सेना नहीं मिलती। अब दुर्योधन भी खुश था और अर्जुन भी खुश था। फिर दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र के जंग मैदान पर आती हैं। कुरुक्षेत्र दिल्ली से कई मील दूर एक विशाल मैदान है, जहां कई तपस्वियों ने तपस्या की थी। ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया था। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान पर अब पांडवों और कौरवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें। श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन अपने सामने अपने गुरुओं को, अपने चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को देखकर विषाद में आ जाता है। वह कहता है, हे केशव, मेरे हाथों से
मन जीव छूटा जा रहा है। मैं अपने गुरुओं को, चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को मारूं, उससे अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षु बनकर मांग कर खाऊं। इस पर श्री कृष्ण उसे कहते हैं, प्रिय तुम सन्यासी होने की बातें कर रहे हो, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की प्रकृति है युद्ध करना। यही प्रकृति तुम्हें युद्ध करने के लिए मजबूर करेगी। तुम्हारा यह सोचना कि रिश्तेदारों को कैसे मारूं मूर्खता है। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे रिश्तेदार ये शरीर नहीं है। शरीर तो एक मकान है जिसमें जीव कुछ समय के लिए निवास करता है। शरीर मिट जाता है पर जीव नहीं मिटता। जीव तो अमित है। एवरी जीव इज इमॉर्टल, इम्यूटेबल, डेथलेस, इटर्नल। बस यहीं से गीता की शिक्षा शुरू होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कई बातें बताई हैं। सबसे पहली बात कि स्वयं को यह शरीर मत समझो। हमारी तकलीफ ये है कि हम स्वयं को शरीर मानकर चलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, आप तुरंत अपने शरीर की ओर संकेत करेंगे। यदि मैं आपसे कहूं मैं कौन हूं, तो आप तुरंत मेरे शरीर की ओर संकेत करेंगे। किंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो एक वस्त्र है जो हमने ओढ़ रखा है। ये सबसे पहली शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दी। हे अर्जुन, तुम स्वयं को शरीर मान रहे हो किंतु तुम यह शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेते समय धारण किया है, इसलिए तुम शरीर नहीं हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, 99.9% लोग यह जाने बिना कि वे कौन हैं इस दुनिया से चल बसते हैं। हम सब स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, इसलिए हम शरीर के गुलाम हो गए हैं। हम सारा समय परछाइयों के पीछे भागते फिरते हैं। हम भोग और मौज मस्ती के पीछे भागे फिरते हैं। विदेश के महान संत सेंट फ्रांसिस, उन्होंने कहा है, स्वयं को शरीर मानना ही सारे पापों की जड़ है। सारे पाप इस शरीर से ही आरंभ होते हैं। किंतु हम शरीर नहीं हैं, शरीर एक वस्त्र है। या फिर यूं कहें, इस पृथ्वी पर शरीर हमारा अभिवास है। पिछले जन्म में जब हम पृथ्वी पर आए थे, तब हमने किसी और शरीर में निवास किया था। यह शरीर हमारा अभिवास है। दूसरी तरह से देखें तो यह शरीर एक घोड़ा है जिस पर हम सवारी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह सवारी करते रहें। या यूं भी कह सकते हैं, यह शरीर एक नाव है जिस पर सवार होकर हम इस संसार सागर में उस पार जाने के लिए चले जा रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं को शरीर नहीं मानना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्वयं को मन और शरीर से बांध लेते हैं। दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, जबकि वे न मन है न शरीर। शरीर केवल वस्त्र है और मन केवल एक अवतार है जो हम अपने साथ लेकर आए हैं, ताकि यह अवतार हमें इस पृथ्वी पर अपना कार्य करने में सहायता करे। अब प्रश्न यह है कि अगर हम न शरीर हैं न मन हैं, तो हम कौन हैं? हम वो हैं, वी आर दैट, वी आर दैट। वो क्या है? इसी की हमें खोज करनी है, हमें स्वयं की खोज करनी है। इसीलिए हमें यह मानव जन्म मिला है। क्या आपको इस मानव जन्म का मूल्य पता है?
यह मानव जन अनमोल है। यदि आप इस सारे संसार की दौलत भी दे दें तो भी आपको यह जन्म नहीं मिल सकता है हम स्वयं को पहचान सकें। इसी विशेष कर्तव्य के लिए हम में से एक एक को यह जन्म मिला है हम यह जान सके कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, हम ये नहीं हैं, हम वो हैं। वी आर नॉट दिस वी आर दैट। कौन है तू? आप पहचान। आओ न बैठ तू बिन अनजान। चोले अंदर आत्म बोले देख तू प्यारा अंदर खोले। सुबह जब आप नींद से जागे तो प्राचीन भारत के ऋषियों का महावाक्य दोहराए तत् त्वम असि। हर सुबह जब आप नींद से जागे अपना बिस्तर छोड़ने से पहले मन ही मन इस मंत्र को 10 बार दोहराते रहें, मैं यह नहीं हूं मैं वो हूं, इसलिए प्रभु मेरी सहायता करो। आई एम नॉट दिस आई एम दैट I am that, so help me God। इसी मंत्र को उच्चारने के लिए आपको केवल 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। फिर आप अपने बिस्तर से उठें, अपना मुंह धोएं और अपनी दिनचर्या को लग जाएं। फिर दिन भर में हो सके तो 1-1 घंटे के बाद, यदि ऐसा करना मुश्किल हो तो कम से कम दिन भर में 5 बार आप इस बात को याद कर सकते हैं। पहला सुबह जागने के समय, दूसरा नाश्ता करने से पहले, तीसरा दोपहर का भोजन करने से पहले, चौथा रात को भोजन करने से पहले और 5वां रात को सोने के समय। मुझे लगता है ऐसा करना बहुत आसान होगा। मेरे प्रियजनों, दिन भर में 5 बार आप स्वयं को याद दिला सकते हैं कि आप यह शरीर नहीं, आप तो वो हैं। वो क्या है इसकी हमें खोज करनी है, पर एक बात पक्की है कि हम ये शरीर नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय आप में से कई लोग स्वयं से कह रहे होंगे कि कल सुबह उठते ही आप इस बात पर अमल करेंगे, किंतु मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल सुबह जब आप नींद से जागेंगे तो यह बात भूल जाएंगे और बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धो लेंगे। हो सकता है नाश्ता करने के समय अचानक आपको याद आ जाए
कि कल आपने उपदेश में जिस बात को सुना था उस पर आज आप अमल करने वाले थे। बिस्तर छोड़ने से पहले आप इस वाक्य का मैं यह नहीं हूँ मैं वो हूँ इसलिए प्रभु मेरी सहायता करें, इस वाक्य को 10 बार दोहराने वाले थे किंतु आप ऐसा करना भूल गए। अब सोचेंगे मेरा आज का दिन व्यर्थ गया। नहीं नहीं, अपने आप को व्यर्थ मत जाने दीजिए। नाश्ते करने वाला अपने मुंह में ही रहने दीजिए और जाकर बिस्तर पर लेट जाएं, चादर ओढ़ लें, अपनी आंखें बंद करके 10 बार इस वाक्य को दोहराएं, फिर उठकर अपना नाश्ता कीजिए। ये आपको करना है। 10 बार सुबह और 10 बार रात को सोने के समय, those are the 2 periods when the subconscious is prepared to receive your orders। एक बार यह बात आपकी चेतना में उतर जाए तो आप अपने जीवन में कई चमत्कार देखेंगे। यदि आप इस सरल साधना का अभ्यास करेंगे तो एक ही सप्ताह में अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। एक ही सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके कार्य में क्षमता बढ़ गई है और आपके काम की क्वालिटी भी पहले से बेहतर हो गई है, और साथ ही साथ आपके दिल में सदा प्रभु की याद भी बनी रहेगी। दूसरी बात जो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताई है वो यह कि अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी चूकना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदि दूसरे का कर्तव्य तुम्हारे कर्तव्य से उत्तम है तो तुम्हें अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ कर दूसरे के कर्तव्य में नहीं पड़ना चाहिए। यदि मनुष्य को अपना कर्तव्य करते करते जान से हाथ भी धोना पड़े तो वह दूसरे के कर्तव्य को करने से बेहतर है। बेटर वर इट टू डाई इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर ओन ड्यूटी देन टू अटेंड टू द ड्यूटी ऑफ अनदर। मुझे याद आ रहा है कुछ वर्ष पहले पंजाब में काफी दंगे हो रहे थे, हिंसा अग्नि की तरह फैल रही थी। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, आपको हमारे साथ पंजाब चलना चाहिए और वहां चलकर लोगों को गुरु नानक देव जी का संदेश देना चाहिए क्योंकि वहां के लोग गुरु नानक देव जी के संदेश को सही माने में नहीं समझ पाए हैं। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, भाई भाई को जला रहा है। इस पर मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ा विचार करने दो, कल मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। मैं सोच रहा था जो काम मुझे दिया गया है उसे छोड़कर क्या मुझे यह काम करना चाहिए। तब मुझे अपने गुरुदेव के शब्द याद आए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कभी भी उलझन में पड़ जाओ तो तुम श्रीमद् भगवत गीता की शरण लेना, श्रीमद् भगवत गीता तुम्हारी समस्या को हल कर देगी। इसलिए मैंने गीता उठाई और आंखें मूंद कर उसे यूं ही खोला। तब मेरी आंखें इस श्लोक पर पड़ी जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अगले दिन वह आदमी जब मेरे पास आया तो मैंने उसे विनय पूर्वक कहा, पंजाब जाना मेरा काम नहीं है, मुझे पहले से ही एक कर्तव्य सौंपा गया है जिसका मुझे पालन करना है। मैं जानता हूँ कि जो काम तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वह शुभ कार्य है, किंतु मुझे खेद है, मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, बाकी के सुझावों पर कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हम श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें कई बातें बताए हैं। उनमें से सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, वो यह कि स्वयं को शरीर मत समझो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य से कहा, हे अर्जुन, तुम स्वयं को शरीर मान रहे हो, किंतु तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेते समय धारण किया है। और दूसरी बात, अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें एक युवक के बारे में बताते थे, जिसका नाम था तोला। अब अमीर खानदान का था और अपनी बीमार दादी के साथ रहता था। अब उसकी देखभाल करता था, उसके अलावा वृद्ध दादी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अचानक एक दिन उसके नगर में ढंडोरा पीटा गया कि भारत की महान नेता सरोजनी नायडू उनके नगर में आ रही हैं, जिसकी सेवा के लिए कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है। तोला ने मन ही मन सोचा, मुझे ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। सरोजनी नायडू हमारे नगर में आ रही हैं, मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमसे कहा, तोला का फैसला गलत था, क्योंकि सरोजनी नायडू की सेवा करने के लिए तो बहुत लोग तैयार थे, किंतु तोला की दादी की सेवा करने वाला कोई नहीं था। तोला का कर्तव्य था अपनी दादी की सेवा करना। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर दूसरों के कर्तव्य में अपनी टांग नहीं उड़ानी चाहिए। चाहे दूसरे का कर्तव्य हमारे कर्तव्य से उत्तम ही क्यों न हो। तीसरी बात जो हमें भगवद गीता में बताई गई है, कि अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ हमें कुछ समय सेवा भी करनी चाहिए। जिस दिन हमने किसी भाई या बहन, किसी पशु या पक्षी की सेवा नहीं की है, मानो वह दिन हमारा व्यर्थ हो गया। मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले एक व्यक्ति गुरुदेव साधु वासवानी जी के पास आया और बोला, आज का दिन मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। गुरुदेव ने पूछा, क्यों? इस पर व्यक्ति बोला, क्योंकि आज एक दिन में मैंने 3 लाख रुपए कमाए हैं। उन दिनों 3 लाख रुपए काफी मोटी रकम थी। शायद उन दिनों के 3 लाख रुपए आज के 3 करोड़ के बराबर हो जाएं। किंतु साधु वासवानी जी ने उससे कहा, क्या आज तुमने किसी प्यासी को पानी पिलाया, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दिया, किसी दुखी इंसान को सांत बना दी? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो इन सब बातों को करने का विचार तक नहीं आया। साधु वासवानी जी ने कहा, तब तो आज का दिन तुम्हारा व्यर्थ गया। तुम कह रहे हो आज का दिन तुम्हारे लिए भाग्यशाली है, किंतु वास्तव में आज का दिन तुमने व्यर्थ गंवा दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने कई दिन व्यर्थ गंवा चुके हैं, किंतु अब हमें अपने दिन और अधिक व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। जिस दिन हम किसी की सेवा नहीं करते, वह दिन हमारा व्यर्थ हो जाता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यहां एक दूसरे की सहायता करने आए हैं। चीन की कई कहावतें जीवन दर्शन से ओत प्रोत हैं। उनमें से एक कहावत है
यदि आप एक घंटे के लिए प्रसन्न होना चाहते हैं तो जाकर थोड़ा सो लें। यदि आप एक दिन के लिए प्रसन्न होना चाहते हैं तो पिकनिक पर चले जाएं। यदि आप एक महीने के लिए प्रसन्न रहना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शादी करके दंपति एक महीने के लिए स्वयं को जन्नत में पाते हैं, किंतु एक महीने के बाद, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। यदि आप एक वर्ष तक प्रसन्न रहना चाहते हैं तो विरासत में संपत्ति पाने की चेष्टा करो, और यदि आप जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो दूसरों की सहायता करो। जब आप अपने भीतर की गहराइयों में डुबकियां लगाएंगे तो आप यही आवाज सुनेंगे, दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सहायता करो। चौथी बात, आप जो भी कार्य करें उसे प्रभु के प्रेम में करें। श्रीमद् भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक आता है, हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन में अर्पण करते हो, जो दान में देते हो और जो तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो कुछ करें, छोटे से छोटा काम भी करना है तो उसे प्रभु प्रेम की खातिर करें। आज तक हम सब कुछ अपनी खातिर करते आए हैं। यदि हमें कोई कार्य सौंपा जाता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? आज से इस बारे में सोचना छोड़ दें, काम करें तो वेतन के बारे में कुछ न सोचें, बस अपना कार्य प्रभु के चरण कमलों में अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा, आपको सूद समेत आपका वेतन मिलेगा। अब तक आप वेतन पाने के लिए काम कर रहे थे, किंतु आज से आप प्रभु प्रेम की खातिर काम कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किंतु आप पूछेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं कि कर्म और उसका फल साथ साथ जाते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि आप कर्म करेंगे तो उसका फल अपने आप ही आपको मिल जाएगा, किंतु आप किस भावना से कर्म करते हैं यह सब उस पर निर्भर करता है। अगर आप कर्म किसी फल की इच्छा से करते हैं तो वो कर्म आपके लिए बोझ बन जाता है, अपने काम से आप बोर होने लगते हैं। दूसरी ओर यदि आप प्रभु के प्रेम की खातिर बिना किसी फल की इच्छा से काम करते रहेंगे तो फल आपको मिलता रहेगा, साथ साथ आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। याद रखें, एक ही काम करने के 101 तरीके होते हैं। आप में से हो सकता है कोई कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो अपने मरीजों को दवाई लिखकर देता है, हो सकता है कोई वकील हो जो कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहा है, हो सकता है कोई दफ्तर में अपने बॉस का असिस्टेंट है, या फिर कोई किसी खेत में मजदूर हो। हर काम करने के 101 तरीके हैं, उनमें से कुछ सही तरीके होंगे और कुछ गलत, किंतु उनमें से एक तरीका सबसे बेहतरीन होगा। आपको अपना काम बेहतरीन ढंग से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। यही है पूर्णता का मार्ग। हम इस पृथ्वी पर आए ही इसलिए हैं ताकि हम पूर्णता
के मार्ग पर अग्रसर रहें। पूर्णता को प्राप्त करना ही इस मानव जन्म का लक्ष्य है। पांचवी बात, प्रभु से अपनी दैनिक भेंट करना कभी न भूलें। चाहे आप पर काम का कितना ही बोझ क्यों न हो, फिर भी प्यार और प्यास से आपको एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान, उनसे अपनी दैनिक भेंट के समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह प्यास ही आपको अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगी, जहां वे बसते हैं। वे अपना सुंदर मुखरा भीतर की गहराइयों में उजागर करते हैं। मेरे मित्रों, याद रखें, ईश्वर को देखा जा सकता है, उनकी मधुर आवाज सुनी जा सकती है, उन्हें छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये सारी चीजें जिन्हें हम अपने इंद्रियों द्वारा देख और महसूस कर सकते हैं, ईश्वर तो इन सब से अधिक यथार्थ है। किंतु इन सब के लिए यत्न करने की जरूरत है, और वह यत्न है ईश्वर के लिए अपने दिल में प्यार और उत्कंठा पैदा करना, उन्हें प्यास से तरफ से पुकारना है, प्यास से प्रभु जी तेरे चल ना पाऊं। मेरे प्रियजनों,
आधुनिक भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, अपने हृदय में ईश्वर को पाने के लिए ऐसे तड़पो जैसे एक कंजूस सोना पाने के लिए तड़पता है, जैसे एक आशिक अपनी महबूबा के लिए तड़पता है, एक बच्चा अपनी खोई हुई मां को पाने के लिए तड़पता है। जब ऐसी तड़प आपके भीतर उठेगी तब आपको अपने भीतर अद्भुत अनुभव मिलेंगे। ईश्वर स्वयं आकर आपको दर्शन देंगे। आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे, क्योंकि ईश्वर तो बेअंत हैं। वेदों ने ईश्वर को बेअंत बताया है। उन तक पहुंचना आपके लिए संभव नहीं है, उन्हें आपके पास आना है, किंतु उसके लिए आपको अपने हृदय में खालीपन या शून्यता पैदा करनी होगी। जब हमारे हृदय में खालीपन पैदा होता है तो प्रभु स्वयं उस खालीपन को भरने के लिए भागे भागे आते हैं। छठी बात, हर हाल में ईश्वर की इच्छा को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर तो है प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। वो हमारे पिता है, हमारी माता है। कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को ऐसे अनुभव भेजेंगे जो बच्चों के लिए हानिकारक हों। एक एक अनुभव हमारे पास ईश्वर के पाक हाथों से आता है और वो हमें ऐसा सबक सिखाने आता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। ईश्वर तो है प्रेम, ईश्वर तो है सर्वज्ञाता। वे कभी कोई भूल नहीं करते, वे कभी किसी को सजा नहीं देते। इसलिए जो कुछ होता है उसमें प्रभु की दया होती है। यह सच है कि जीवन में हमें कई अनचाहे अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव हम अनचाहे क्यों लगते हैं? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। यदि एक बार हम यह समझ लें कि यह शरीर मात्र एक वस्त्र है जो हमने ओढ़ रखा है, तो जीवन के प्रति हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर जो भी अनुभव हमारे जीवन में आएगा, हम उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे। सिया राम कहिए, जाई विद्धि राखे राम, ताई विद्धि रहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम सातवीं बात पर आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सातवीं बात है कि तुम अपने लिए हमेशा नीचे का स्थान चुनो। हर एक व्यक्ति ऊंचा स्थान पाना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है
कि वह वास्तव में जो है उसे बड़ा नजर आए, जितना वह धनवान है उसे अधिक वह धनी नजर आए, जितना वह पढ़ा लिखा है उससे अधिक वह विद्वान नजर आए। किंतु श्रीमद् भगवत गीता कहती है नहीं, तुम्हें सदा नम्र बनकर रहना चाहिए। हम सब प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं, इसलिए नम्र बनना जरूरी है। प्रभु की कृपा जल की तरह होती है और जल सदा नीचे की ओर बहने का मार्ग ढूंढता है। यदि तुमने नीचे का स्थान अपने लिए चुना तो तुम पर प्रभु की कृपा बरसने लगेगी। यदि एक बार तुम पर प्रभु की कृपा बरसी तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम पर प्रभु का आशीष होगा और तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और भी कई अन्य बातें बताई हैं, किंतु उन सारी बातों का उल्लेख करना संभव नहीं है। गीता तो एक महासागर है। मैं समझता हूँ इन सात बातों में से यदि हम एक बात की भी साक्षी अपने दैनिक जीवन में दें तो भी काफी है। साक्षी देना जरूरी है, शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। मैं सारी गीता रट लूं, रोज उसका पाठ करूं, किंतु उसकी शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में न दूं, तो मैं एक टेप रिकॉर्डर से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूं। मैं गीता की शिक्षा पर टिप्पणी लिखूं, उपदेश दूं, मगर जीवन में उन शिक्षाओं की साक्षी न दूं, तो मैं प्रिंटिंग मशीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूं। हमें टेप रिकॉर्डर्स और प्रिंटिंग मशीन्स की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों की जरूरत है जो गीता की शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में दें। काश हम पर भी प्रभु की कृपा हो कि हम गीता की शिक्षा की साक्षी अपने जीवन में दें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।